हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है और मैंने ये ऊन ली है रेड कलर की। तो सबसे पहले तो एक नोट लगाएंगे और चेन बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम ये डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इसमें हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सर्कल में हमने 14 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इसमें यहाँ क्रोशिया डाल के इसको जोड़ लेना है और ऐसे इसको बंद कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे और जहाँ चेन बनाई है वहीं पे फिर से बनाएंगे। और हर एक जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तीन चेन बनाएंगे और इसी में फिर से बनाएंगे। और जहाँ ये 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए थे हमने वहीं पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, बाकी जगह हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें ये एक डबल क्रोशिया तो एक जगह, एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, बाकी जगह एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसको ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। ये रो हमने कंप्लीट कर लिया और इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। 3 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 4th रो बनाएंगे। 3 चेन बना ली है, इसी में फिर से बनाएंगे जहाँ पे हमने चेन बनाई है। नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए हमने एक में ही 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहीं पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी जगह हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हैं इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहीं से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे और बाकी जगह हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम 7 रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, सिर्फ इनके ऊपर ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी जगह हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं और 7 रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। 3 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 4th रो हमने स्टार्ट की है।
ऐसे हमने टोटल 7 रो बना लेनी है। सेम इसके ऊपर ही हमें बस डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने 7 रो बना लिए हैं, वो जहाँ हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाया था सिर्फ उसके ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बना लिया है और वहीं से हमारे फंदे बढ़े हुए हैं। ये 7 रो कंप्लीट कर लेनी है, 3 4 5 6 7, 7 रो। अब 8th रो में हमें कुछ नहीं, एट्थ रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया हर जगह बनाते जाना है। पूरी रो ऐसे कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने 5 डबल क्रोशिया ऐसे ही छोड़ देने, यहाँ पे हम ये 8th रो यहाँ तक कंप्लीट करनी है बस। अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहीं से इसको टर्न करेंगे और हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस यहाँ हम इतनी जगह छोड़ देंगे, हमारे पीछे का हिस्सा है जो हमारी कैप है, ये हमने यहाँ तक रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने 12 रो बनाई है, ये 12 रो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक हमारी 12 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे जो हमारे स्वेटर में थे। अगर आप सिंपल बनाना चाहें इसको ऐसे बना सकते हैं, हमारा पीछे का पार्ट है। तीन चेन बना लिए हैं, डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तीन चेन बना लेंगे और एक जो डबल क्रोशिया इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद जो ये चेन है इसमें हम यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो हमारी चेन है इसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी स्वेटर में डिज़ाइन था तो हमने इस मेकअप में भी ये डिज़ाइन बनाया है। अगर आप ऐसे ही सिंपल बनाना चाहते या फिर कोई और डिज़ाइन डालना चाहते वो भी डाल सकते हैं। दो चेन स्किप करेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहीं से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पीछे लेके, और इस डिज़ाइन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, ये डिज़ाइन बनाया है। एक डिज़ाइन की रो है हमारी, एक डबल क्रोशिया की रो है, तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे पास टोटल 17 रो हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक चेन बना ली है, और हम इसमें हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर
हर एक चेन में हमने ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ तक हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद यहाँ सभी जगह हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम हर चेन में जो कंप्लीट हमारी कैप है उसमें ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट में भी, बैक में भी, साइड में भी, सभी जगह हमने सिंगल सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हमने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाई है। आप इसमें छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं आप 12 डबल क्रोशिया बनाएं, आपके पास 7 रो में 84 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमने पूरी रो में सिंगल क्रोशिया बना लेना है ऐसे ही। ये हमने सभी जगह सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम इसके बांधने के लिए डोरी बनाएंगे। इसको हमने डोरी बना के और बांध के तैयार कर लिया है। ये हमारी कैप बन चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।